क्या चाहिए? हम क्या चाहते हैं? ये प्रॉब्लम है कि हमें पानी चाहिए और डेली चाहिए, क्योंकि जब बच्चों की प्रॉब्लम, बच्चे कैसे पढ़ेंगे बिना पानी के? तो हमें पानी की सबसे ज्यादा हमें पानी की दिक्कत आ रही है, और 38-39 साल से जी आ रही है, हमें पानी उस बस्ती में मिला नहीं है, बस यही हमारी प्रॉब्लम है। आज हम चीफ इंजीनियर के पास जब आए, एक बड़े लंबे अरसों के बाद हमने एक डिमांड रखी अपनी के हमारे एरिया में पानी ही नहीं है। बोरिया फिल्टर प्लांट बहुफोर्ट में है, उसके नज़दीक ही हमारा शेख नगर पड़ता है, वहाँ पे पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम ये अपनी डिमांड रिक्वेस्ट डालिए चीफ इंजीनियर के पास, और यहाँ से पता चला कि इनके डिपार्टमेंट इलादा इलादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प किया कि हम AWJ से बात करते हैं और आपकी देखते हैं क्या क्या मेजर प्रॉब्लम है, वो आपकी दूर करेंगे। इसीलिए आज हमारी औरतें जिंदगी में पहली बार न्यू शेख नगर की पानी के लिए तरसने के लिए ये डिपार्टमेंट के पास दौड़ी है। हम डिपार्टमेंट से यही आग्रह करते हैं कि हमें एक तो पानी मिलता है तीसरे दिन, मतलब पे साल के 6 महीने, और पानी का बिल हमें पूरे साल का देना पड़ता है, लिहाजा पानी हमारा जीरो है। अगर हम भी आपको कभी दिखाएंगे कि पानी एक बाल्टी 10 मिनट में भरती है, इस तरह का पानी है, क्योंकि पानी हमने वहाँ पे 4 इंची डायरेक्ट बूस्टिंग लाइन पहुँचाई थी, मगर इन्होंने PHE वालों ने वो हमारी लाइन डिस्टर्ब कर दी है। वहाँ से 4 इंची में 4 इंच एक और पीर बाबा लाइन, एक गुरुद्वारा लाइन, एक यूनिवर्सिटी लाइन निकाल दी, और हमें जब 3 दिन के बाद पानी की टर्न आती है वो भी लाइनें खुल जाती हैं। इसी कारण हमारे में पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहा है हमारे, इसलिए आज हमारे यहाँ पर हमने डिमांड रखी है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, नहीं तो हम सड़कें बंद करेंगे, हम एजिटेशन करेंगे। विद इन 1 वीक के अंदर जेई ने, AWE ने अगर ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व ना किए, हम आपके माध्यम तक इन तक बता रहे हैं कि रोड अगर जेई चाहे तो 2 दिन में कर सकता है। हमने जेई को पहले भी बोला था कि कर दिए, उन्होंने बोला 1 वीक के लिए, आज 6 महीने हो गए, उसने ना लीकिंग बंद की ना कोई वहाँ पे आया। इसलिए आज आपके माध्यम से जेई को, AWE को यही देते हैं हम कि अगर 1 वीक में हमारा पानी ठीक ना हुआ तो हम न्यू बोफोर्ट कॉलोनी का रोड हर टाइम बंद रखेंगे।